क्या कभी सुना है कि किसी आदमी ने एक मगरमच्छ से शादी कर ली? क्या आपने कभी ऐसा होते हुए देखा है? वैसे होने को तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आपने दुनिया की तमाम अनोखी शादियों के बारे में सुना होगा। कहीं 80 साल का आदमी 18 साल की लड़की से शादी कर लेता है, तो कुछ लोग पेड़ों के साथ सात फेरे ले लेते हैं। लेकिन हाल ही में एक ऐसी अजीबोगरीब शादी हुई है जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। मेक्सिको के सैन पेड्रो हुआ मेलुला शहर में मेयर विक्टर ह्यूगो सोसा ने एक पारंपरिक फंक्शन में मादा मगरमच्छ से शादी कर ली। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर के लोग मौजूद थे और पूरे विधि विधान के साथ ये फंक्शन कंप्लीट हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेक्सिको के इस शहर की एक अजीबोगरीब परंपरा है। यहाँ मादा मगरमच्छ को राजकुमारी के रूप में माना जाता है और पूजा भी जाता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि आज से नहीं बल्कि 230 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ के चौंटल और हुआवे समुदाय के लोग इस अनुष्ठान को करते हैं। इस परंपरा को विश्व शांति के लिए अहम माना जाता है। इस परंपरा के मुताबिक मेयर को चौंटल का राजा माना जाता है और इसलिए उन्हें चौंटल की राजकुमारी यानी मादा मगरमच्छ से शादी करनी होती है। आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि इस फंक्शन से पहले मादा मगरमच्छ को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जिसके बाद उसे लोगों के घर घर घुमाया जाता है। लोगों को मगरमच्छ के हमले का भी डर रहता है, इसलिए कई बार उसके मुंह को रस्सी से बांध दिया जाता है। मेयर अपनी दुल्हन के साथ डांस भी करता है और इस समारोह का समापन तब होता है जब मेयर अपनी मगरमच्छ दुल्हन को किस करता है।